हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2020 का जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। इस वीडियो में आपके लिए 1 से 50 तक के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज TADF? TADF का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी एक्वाइजेशन एंड डेवलपमेंट फंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ये TADF होता क्या है? TADF को इंडियन गवर्नमेंट ने 18 नवंबर 2015 को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर में लॉन्च किया था, जिसका मेन मोटो था मेक इन इंडिया के तहत माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करना। ठीक है फ्रेंड, जिसमें कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री इंडिया या तो वर्ल्ड से क्लीन, ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल प्राइस पर एक्वायर करेंगी। ठीक है फ्रेंड, जो कि उनके मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। वो सपोर्ट कैसे करेगा, उसका पहला पॉइंट क्या है, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। दूसरा क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस बनाने में। तीसरा क्या है, एनर्जी कंजम्पशन को कम करने में। फिर लास्ट क्या है, वाटर कंजर्वेशन पर। तो ये सभी पॉइंट क्या है, जो कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल टेक्सटाइल को हम स्मार्ट टेक्सटाइल भी कहते हैं, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक न्यू सेक्टर है जिसका ग्रोथिंग रेट कन्वेंशनल मेथड से भी ज़्यादा है। इस टेक्निकल टेक्सटाइल में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो नॉन एस्थेटिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। मेनली ये सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा हमारा, स्पेस सूट। दूसरा क्या है, फायर फाइटर पहनते हैं। और ये टेक्सटाइल मेनली ऑटोमोबाइल और स्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दी हाई टेनेसिटी फाइबर्स विच आर लाइटेस्ट एंड टफेस्ट फैब्रिक्स मेनली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल इनकम लेवल दैट कैन बी सिक्योर्ड विदाउट डिक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ नेचुरल एसेट्स। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, ग्रीन अकाउंटिंग को हम डिटेल में देखेंगे। कंटिन्यूअस नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ होने से क्या होता है, इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, और उसी इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण इकोनॉमी ग्रोथ भी क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एक ट्रेडिंग फर्म बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल ग्रोथ को और इम्प्रूव करना। ठीक है फ्रेंड, ग्रीन अकाउंटिंग एक तरह का लेखा जोखा या अकाउंटिंग है, जिसमें हम किसी भी देश की इनकम या फिर जीडीपी से उस कॉस्ट को माइनस करते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल
रिसोर्सेस को डिप्लेशन से हुई है। मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस के डिप्लेशन और यूज होने को हम डिप्रेसिएशन में ऐड करते हैं, डिप्रेसिएशन में ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम, जिससे कि ये आसानी से पता चल जाए कि कोई भी देश अपना डेवलप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और भी तीन टर्म है, उसे हम देख लेते हैं। पहला क्या है, नेचुरल कैपिटल स्टॉक, इसका आप जनरली मीनिंग देख सकते हैं कि नेचर में जो जो स्टॉक होंगे हम क्या कहते हैं, नेचुरल कैपिटल स्टॉक, जैसे कि जियोलॉजी, सॉइल्स, एयर, वाटर और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कैपिटल स्टॉक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेचुरल कैपिटल स्टॉक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल वैल्यू, प्रेजेंट और फ्यूचर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या है, सोशल डिस्काउंट रेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पार्ट है, जो कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें पीपल फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को कम करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट में कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। जितने भी सोशल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सोशल डिस्काउंट रेट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों टर्म भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स एलोकेशन एज पर कैनरीज डेवलपमेंट प्रोसेस में उसने ये बताया था कि कोई भी अंडर डेवलप इकोनॉमी अपने स्ट्रक्चर सेट को चेंज करके डेवलप इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए उसने ये भी कहा था कि इकोनॉमी की कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को हमें किस इकोनॉमी में चेंज करना है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखिएगा। कैनरीज के तीन डेवलपमेंट पैटर्न हैं। पहला है एकोमुलेशन। इसके अंडर क्या क्या आते हैं, इसके अंडर पहले आता है इन्वेस्टमेंट, फिर आता है रेवेन्यू, फिर आता है एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड, फिर सेकंड पैटर्न कौन सा है, सेकंड है रिसोर्स एलोकेशन, जो कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है। तो इसके अंडर में क्या क्या आता है, इसके अंडर में सबसे पहले आता है डोमेस्टिक डिमांड, फिर आता है प्रोडक्शन, फिर आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। फिर तीसरा पैटर्न कौन सा है, तीसरा पैटर्न है पॉपुलेशन और लेबर फोर्सेस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज रिफर्ड टू एज एनीथिंग दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द पास्ट एंड टू द होल इनकम। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, टोटल कैपिटल अपॉन में टोटल इनकम। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, एक यूनिट या फिर एक रुपए का प्रोडक्ट बनाने में जितना कैपिटल रिक्वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। एज्यूम कर लीजिए कि
हमें एक्स प्रोडक्ट बनाना है, एक्स यूनिट या एक्स रुपीस का, और इसमें वाई यूज्ड कैपिटल है, यूज्ड कैपिटल। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट में अगर हम कोई एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं तो आउटपुट में कितना एडिशनल यूनिट जनरेट हो रहा है उसका रेशियो को हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है फ्रेंड, और ऑप्शन डी मार्जिनल रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो और मार्जिनल रेशियो दोनों सेम होता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्लानिंग इज एन अटेम्प्ट टू वर्क आउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डेवलपमेंट इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर एलोकेशन एंड प्रोडक्ट यील्ड सो एज टू मैक्सिमाइज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, फिजिकल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग को हम लैंड यूज प्लानिंग भी कहते हैं, लैंड यूज प्लानिंग या फिर अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग। इसमें हम रिसोर्सेज का एलोकेशन ऐसे करते हैं कि उसका एफिशिएंट यूज हो जाए, एफिशिएंट यूज हो जाए, जिससे कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, और साथ साथ ही उसका फ्यूचर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हम देख लेंगे पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है 10 से 20 साल के लिए। ये प्लानिंग मेनली फ्यूचर डायनामिक ट्रेंड्स के लिए होती है। जैसे एग्जांपल क्या है, एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम डिमांड और सप्लाई के बीच में होने वाली कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसका एम क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और इम्प्रूव करना। फिर नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है, मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी की जो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उनको सॉल्व करना, जिससे क्या हो सके, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी प्लानिंग आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स एन इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू फॉर फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स। जब हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की करेक्ट मार्केट प्राइस पता नहीं होती तो कॉस्ट एस्टिमेशन डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस की एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन करते हैं, और वो वैल्यू क्या होती है, मोस्ट एक्यूरेट या फिर ट्रू वैल्यू होती है। उसी मोस्ट एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू को हम क्या कहते हैं, शैडो प्राइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शैडो प्राइस मार्केट प्राइस से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों भी आप याद रखिएगा। अब हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है, प्राइस इन्फ्लेशन, किसी स्पेसिफिक टाइम में प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस बढ़ा देने को हम क्या कहते हैं, प्राइस इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद है इकोनॉमी प्राइजिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके हम प्रोडक्ट का
लो प्राइस असाइन करते हैं। फिर क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या होता है, जब हमें दूसरे कॉम्पिटिटर्स या किसी दूसरी मार्केट से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, तो कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को लो प्राइस पे ऑफर करती है ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सके। इन सभी टर्म के साथ एक और टर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइस स्कीमिंग। इसमें क्या होता है, ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस पहले तो ज़्यादा करती है, फिर धीरे धीरे डिस्काउंट देते हुए प्राइस कम कर लेती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पॉलिसीज लीव्स नो फ्रीडम टू प्राइवेट इंटरप्राइज टू बाय प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री ऑफ इट्स चॉइस। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन इम्पोर्ट कंट्रोल। इम्पोर्ट कंट्रोल में किसी भी देश की गवर्नमेंट फॉरेन से आने वाली चीज़ों पर लिमिटेशन लगाती है। फिर ऑप्शन बी क्या होगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल, ये इम्पोर्ट का उल्टा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है ताकि इकोनॉमी इकोनॉमी स्टेबल हो सके। ठीक है फ्रेंड, अब ऑप्शन डी क्या है, फिजिकल कंट्रोल, इसमें जो वैल्यूएबल वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं हम ये इंश्योर करते हैं कि वो सेफ रहें, और सेफ रहने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, डोर लगाते हैं, लॉक लगाते हैं और कैमरा लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ कोलेजिव प्राइस फिक्सिंग बिहेवियर बाय विच फर्म्स कोऑर्डिनेट देयर बिड्स ऑन प्रोक्यूरमेंट और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, बिड रिगिंग। जब फर्म्स या फिर कॉम्पिटिटर्स पहले से ही सेटिंग कर लेते हैं कि उन्हें बिडिंग में मीन्स बोली में क्या स्ट्रेटजी बनानी है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक हाईवे का प्रोजेक्ट बनना है और उसके लिए बिडिंग की जाती है। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। अगर ये दोनों कंपनियां बोली लगाने से पहले सेटिंग कर लें कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, जो कि अनफेयर भी होगा। पहली सेटिंग क्या होती है कि या तो बोली फिक्स कर दें, प्राइस फिक्स कर दें। दूसरा क्या होता है कि कोई एक कंपनी बिडिंग से क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है फ्रेंड, और तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि वो दोनों कंपनियां मिलके कम बोली लगाएं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी अनफेयर होते हैं जो कि बिड रिगिंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बिड रिगिंग। अब हम बाकी के टर्म देख लेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए, प्रिडेटरी प्राइजिंग, इसका मतलब क्या होता है, अंडर कटिंग। इसका मीनिंग होता है कि प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचना। फिर उसके बाद है हॉरिजेंटल प्राइस फिक्सिंग, जिसे हम कॉल्यूजन भी कहते हैं। मार्केट प्रॉफिट या शेयर को गलत तरीके से या अनफेयर तरीके से लेने के लिए जब दो कंपनियां कोई इलीगल इलीगल या सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्राइस फिक्सिंग या फिर कॉल्यूजन। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन डी, एक्सक्लूसिव टेरिटरी। अब ये एक्सक्लूसिव टेरिटरी क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है, और उस एरिया को
वही ऑपरेट करता है जिसको उसका परमिट मिला हो, ठीक है फ्रेंड, जिसको उसका परमिट मिला हो, और कोई अलग फ्रेंचाइजीज उस प्लेस को ऑपरेट नहीं कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल प्रैक्टिस ऑफ फर्म। अब ये हॉरिजेंटल प्रैक्टिस ऑफ फर्म क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स गुड्स और सर्विसेज के मार्केट प्राइस को इस तरह सेट करते हैं कि उससे उन दोनों कंपनीज या फर्म का फायदा हो सके। मीन्स पहले से ही क्या करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग। और कैसी प्लानिंग? महाभारत के शकुनी मामा के षड्यंत्र वाली प्लानिंग, ठीक है फ्रेंड। अब उन दोनों कंपनी का या फर्म का फायदा क्या होगा? फायदा नंबर एक, मार्केट से क्या कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर फायदा नंबर टू क्या है? न्यू कस्टमर पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम्पल क्या है? तो उसका एग्जाम्पल होगा ऑप्शन सी, प्रेडेटरी प्राइसिंग, जिसमें क्या था, अंडर कटिंग, जिसमें क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचना, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन डी आपको पता ही है। ऑप्शन बी क्या है, रिटेल प्राइस मेंटेनेंस, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहा है, मींस मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 years ago फादर वॉज 12 times as old as his son एंड आफ्टर 10 years फादर विल बी 2 times older than his son। दी प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली आर, आप एज्यूम कर लेंगे कि फादर और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, फादर की है एक्स और सन की वाई। तो 10 साल पहले की कंडीशन क्या है, 10 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, x-10, और उसके सन से कितना गुना है, 12 गुना, तो 12। सन की एज कितनी होगी, y-10। तो यहाँ से इक्वेशन 1 बना लेंगे, x-12y=-110, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 10 साल बाद फादर और सन की एज में क्या रिलेशन होगा, 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, x+10, जो कि सन से कितनी है, दुगनी। सन की एज क्या होगी, y+10। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना, x-2y=10। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मीन्स फादर की एज आ जाएगी 34 और सन की एज आ जाएगी कितनी, 12, ठीक है फ्रेंड। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसे आप शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको सारी क्या दी है, प्रेजेंट एज, अगर आप इसमें सभी में 10+ कर दें और 10-, तो देखिए क्या आएगा, इसमें अगर आप 10+ करें तो कितना हो जाएगा, 42, और इसमें 10+ करें कितना आ जाएगा, ये आपका 24। ये डबल नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, फिर इसमें आएंगे, इसमें 10+ करें क्या आएगा, 44, और इसमें 10+ करें क्या आएगा, हमारा 24। तो ये भी डबल नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट। फिर सी क्या है, इसमें 10+ करेंगे तो क्या आएगा, 42, और इसमें क्या करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 22, ये भी डबल नहीं है। फिर लास्ट में क्या बचा, ऑप्शन डी, इसमें 10+ करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 44, और इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10, ये हमारा आ जाएगा 22, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है, डबल है। तो इस शॉर्टकट मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड ₹96 ऑन इटेबल्स। फोर ऑफ देम हाउ एवर डिड नॉट टर्न अप, एज अ कॉन्सिक्वेंस द रिमेनिंग वंस हैड टू कंट्रीब्यूट ₹4 each extra।
दी नंबर ऑफ दोज फ्रेंड्स हु अटेंड दी पिकनिक इज, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ फ्रेंड ने पिकनिक जाने को डिसाइड किया और 96 रुपये वो खाने पीने की चीज़ों पे खर्च करने के लिए सोचा, लेकिन ये हुआ कि उनमें से 4 फ्रेंड नहीं गए। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी को 4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने फ्रेंड पिकनिक पर गए। तो हम मान लेंगे कि एक्स फ्रेंड ने पिकनिक जाने को प्लान किया और सभी ने Y रुपये दिए, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, 96। ये पहली कंडीशन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें से 4 फ्रेंड नहीं गए, मीन्स एक्स माइनस 4। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि सभी को 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, मीन्स वाई प्लस 4। इसकी भी वैल्यू क्या है, 96। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको पता है और एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 20। ठीक है फ्रेंड, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आप यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 20, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी हमारी 4। ठीक है फ्रेंड, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। ये x क्या है, वो फ्रेंड जिन्होंने पिकनिक जाने को प्लान किया था, मीन सभी ने। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने फ्रेंड पिकनिक गए, तो 4 फ्रेंड नहीं गए थे, मीन्स 12 माइनस 4 ये कितना आ गया, 8। मतलब 8 फ्रेंड पिकनिक पर गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग गोल्स आर्टिकल पी क्यू आर एस एंड टी विद डिफरेंट वेट्स। फिर आपको कंडीशन दिया गया है, पहले क्या है, पी वेट ट्वाइस एज मच एज क्यू, पी का वेट क्यू से क्या है, डबल है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू वेट 4.5 times एज मच एज आर, क्यू का वेट आर से 4.5 times ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर वेट हाफ एज मच एज एस, आर का वेट एस का क्या है, हाफ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एस वेट हाफ एज मच एज टी, एस का वेट टी का हाफ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टी वेट लेस देन पी बट मोर देन आर, टी का वेट पी से तो कम है लेकिन आर से ज़्यादा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आर्टिकल टी विल बी लाइटर इन वेट देन, आर्टिकल टी का वेट किससे कम है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए पी एन एस, ऑप्शन बी पी एन आर, ऑप्शन सी पी ए एंड क्यू, और ऑप्शन डी क्या है, क्यू एंड आर। तो ये देखिए, क्योंकि टी का वेट आर से ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब टी जो है वो आर से लाइटर नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम आते हैं एस पे, ये देखिए यहाँ पे टी का वेट एस का डबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि टी का वेट एस से लाइटर नहीं होगा, क्या होगा, मोर होगा। तो ऑप्शन ए भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पी एंड क्यू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम एक और तरीके से भी सॉल्व करेंगे, आप एज्यूम कर लीजिए कि आर की वैल्यू क्या है, 1 kg। आप अगर आर की वैल्यू 1 kg रखेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 kg, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4.5 kg, फिर एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 kg, और फिर लास्ट में टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 kg। ठीक है फ्रेंड, 4 kg। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि टी के लिए क्वेश्चन है पूछ रहा है टी से कौन से वेट ज़्यादा हैं, तो एक तो पी है एक तो क्यू है, इसका मतलब
पी और क्यू से टी का वेट क्या होगा, लाइटर होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पी एंड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रेक्टेंगल ए बी सी डी विथ डी ई इक्वल टू डी सी बाई थ्री इन दी फिगर। ये रेक्टेंगल आपको दिया है ए बी सी डी, और इसमें कह रहा है कि जो डी ई की लेंथ है वो पूरी डी सी की 1/3 है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई कहाँ है, ये है ए डी ई, इज 20 cm², द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी विल बी। आपसे क्वेश्चन में इसका एरिया दिया है और रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये कितना होगा, ये हमारा होगा 1/2 बेस, बेस कितना है डी ई, इंटू हाइट ए डी। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, पूरा रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये रेक्टेंगल वो सॉरी ट्रायंगल की हाइट होगी और ये क्या होगा, ट्रायंगल का बेस, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। सब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 1/2 डी की वैल्यू क्या थी, 1/3 ये वाली, 1/3 डी सी इंटू ये ऐसे ही आ जाएगा ए डी। अब ट्रायंगल का एरिया आपको कितना दिया, 20 cm, इसको सॉल्व करेंगे तो डी सी इंटू ए डी, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 120 cm². और ये डी सी और ए डी क्या है, ये देखिए डी सी ये वाली लेंथ है पूरी और ए डी क्या है, ये वाली, मीन्स ये लेंथ है और ये विथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 120 cm². ठीक है फ्रेंड, हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही, ये आपको एरिया दिया हुआ है कितना 20 cm², और ये लेंथ कितनी है इस पूरे की 1/3, मतलब ये यहाँ से अगर इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों इक्वल होंगे, ये 20 cm², तो ये भी ये वाला एरिया कितना होगा, ये भी 20 cm², तो इसका इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हमारा हो जाएगा 40 cm². अब अगर इसका एरिया 40 cm² है तो इसका भी उतना ही होगा, इसका भी इतना होगा, ठीक है फ्रेंड, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 40 40 और 40, ये निकाल के क्या आ गया, वही 120 cm², ठीक है फ्रेंड, इससे भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 cm, 104 cm, 117 cm एंड 169 cm आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट विल बी। जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर पूछे उस केस में आप क्या निकालेंगे, एस सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 78, 104, 117 और 169, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13, ठीक है फ्रेंड, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 78/13 प्लस 104/13 प्लस 117/13 प्लस 169/13, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36 cm, ठीक है फ्रेंड, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टॉवर्ड्स ईस्ट, देन 5 किलोमीटर टॉवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन 8 किलोमीटर टॉवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 5 किलोमीटर टॉवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द डिस्टेंस ऑफ हिज प्रेजेंट लोकेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन शो करेंगे, उसके बाद
जितनी भी डिस्टेंसेस है फाइंड करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग और प्रेजेंट लोकेशन के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये इस क्वेश्चन का सिस्टमेटिक फिगर बनाया गया है। सबसे पहले डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ। यहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट पर गया, मतलब पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक। फिर पॉइंट ए से बी तक वो कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट, जो कि 45 डिग्री पे होगा, कितना है 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट बी तक कहाँ, सॉरी पॉइंट बी से पॉइंट डी तक साउथ डायरेक्शन में गया, टोटल 8 किलोमीटर है। फिर उसके बाद पॉइंट डी से ई तक कहाँ गया, फिर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कितना 5 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पॉइंट ओ और पॉइंट ई के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि कौन सी लाइन है, लाइन एफ और लाइन ई, ठीक है फ्रेंड, मीन्स ई एफ। इसके बाद हमको एक और लाइन मिल गई, कितनी, पॉइंट ओ से पॉइंट एफ तक, और ये लाइन कितनी है, पॉइंट एफ से पॉइंट ई तक। अगर ये दोनों लाइन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कोई लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले इसकी लंबाई हम निकालेंगे, ई एफ की। ई एफ कैसे निकालेंगे, एफ जी, एफ जी कितना है, एफ जी हमारा ये वाली लाइन है, कितनी 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद है जी एच, जी एच कौन सी लाइन है, ये वाली, जी एच की लंबाई कितनी है 5 cos 45, ठीक है फ्रेंड, ये जो कि लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एच और ई की, एच और ई की कितनी होगी, ये 5 sin 45। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 के करीब आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमको क्या पता चल जाए, ओ एफ की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड, ओ एफ की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ओ ई। तो ओ एफ इक्वल टू क्या होगा, सी एच, सी एच देखिए फिगर में कहाँ है, सी एच, सी पॉइंट ये है और एच ये है, इसकी लेंथ अगर आपको पता चल जाए जो कि ओ एफ के इक्वल भी है, ठीक है फ्रेंड। इसको हम कैसे निकालेंगे, अब ये इसको हम फिर से देख लेते हैं फ्रेंड। अब क्या निकालना है हमको, ओ एफ इक्वल टू सी एच, सी एच कहाँ, ये सी है और ये एच है। इसको हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल 8 किलोमीटर है, 8 में से हम 5 sin 45 और 5 cos 45 ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि ये दिया गया है, इसको माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के करीब आ जाएगी। अब आपको दोनों लेंथ पता चल गई, ये भी पता चल गई और ये भी पता चल गई, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए नीचे निकाला गया है ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10.1, ठीक है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन ए के करीब है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9 किलोमीटर, जो कि यूपीएससी की में भी दिया था, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन, द नंबर ऑफ टाइम्स इट स्ट्राइक्स इन 24 आवर्स विल बी, एक घड़ी में, एक राउंड में कितने आवर होते हैं, 12 आवर, ठीक है फ्रेंड, 12 आवर्स होते हैं। तो उसके लिए हम जितना स्ट्राइक है उसको निकाल लेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 24 आवर्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 1 o'clock में कितना स्ट्राइक है, 1, 2 o'clock में कितना है, 2, 3 o'clock में कितना है, 3, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, 12 तक। ये क्या हो गया हमारा, एक सीरीज हो गया। सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं, n, n प्लस 1/2 से, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 12, तो सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है, n प्लस 1 13 अपॉन में 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 78। ये तो हमारा 12 आवर्स के लिए आ जाए, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 24 आवर्स के लिए पूछ रहा है, तो इसका डबल करेंगे, डबल करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 156, ठीक है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 101 विच इज डिविजिबल बाय 5, तो कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा, फिर 10, 15, इसी तरह कहाँ तक होगा,
100 तक, ठीक है फ्रेंड। अब अगर इसमें हम 5 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1, 2, 3 कहाँ तक, ये 20 तक, 5 बाहर आ जाएगा। और ये क्या है, एन नेचुरल नंबर्स का समेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, एन कितना है 20 इंटू एन प्लस 1 मीन्स 20 प्लस 1 21/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये वो समेशन आपको दिया है तो इसका समेशन क्या होगा, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और लास्ट टर्म क्या है 20 है, तो इसको भी अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तभी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1050, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 स्पीक हिंदी एंड 400 स्पीक इंग्लिश, द नंबर ऑफ ओनली हिंदी स्पीकिंग पीपल इज, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये टोटल कितने हैं 1000, अब इसमें हिंदी बोलने वाले कितने हैं 750, ये टोटल की वैल्यू है 750, फिर इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 400, ये टोटल की वैल्यू कितनी होगी 400, ठीक है फ्रेंड। 400 मीन्स ये जो है ये वाला, ये 750 पीपल को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला डायग्राम ये वाला, ये 400 पीपल को इंडिकेट कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ द ओनली हिंदी स्पीकर, सॉरी हिंदी स्पीकिंग पीपल इज, तो सबसे पहले आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है फ्रेंड। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कितना दिया है 1000, अगर इसमें से हम हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन मीन्स जो कि दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, -750 -400, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 150, मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई 150। अब 150 पीपल दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी, ठीक है फ्रेंड। अब अगर हमको सिर्फ हिंदी बोलने वालों की संख्या चाहिए तो हम उसे कैसे निकालेंगे, जिसको हम निकालेंगे टोटल कितना हिंदी का 750, 750 में से अगर हम 150 माइनस कर दें तो सिर्फ हिंदी बोलने वालों की संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा 600, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या आ गया 600, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले पीपल के बारे में पूछता तो उसे आप कैसे फाइंड करते हैं, इसे आप 400 से माइनस करते हैं, 400 -150 तो आपका कितना आता 250, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, पहला क्या है ए स्कोर मोर देन बी, फिर नेक्स्ट क्या है सी स्कोर एज मच एज डी, फिर नेक्स्ट क्या है ई स्कोर लेस देन एफ, नेक्स्ट क्या है बी स्कोर मोर देन सी, फिर नेक्स्ट क्या है एफ स्कोर लेस देन डी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हु स्कोर दी लोएस्ट, अब ए स्कोर मोर देन बी तो ए ग्रेटर देन बी, फिर सी डी के इक्वल है, फिर नेक्स्ट क्या है ई स्कोर लेस देन एफ मीन्स ई लेस देन एफ, फिर नेक्स्ट क्या है बी स्कोर मोर देन सी, बी की वैल्यू सी से ज़्यादा है, फिर उसके बाद एफ स्कोर लेस देन डी, एफ की वैल्यू क्या है डी से लेस देन है, ठीक है फ्रेंड। अब इस तरह क्वेश्चन में आपको एक सीरीज पकड़ना रहता है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले स्टेटमेंट वन क्या है ए स्कोर मोर देन बी, अब ये आ गया, फिर आपको बी पॉइंट फिर देखना है, फिर बी पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, बी स्कोर मोर देन सी मीन्स यहाँ से सी, फिर यहाँ से सी बचा, अब सी के लिए आप देखेंगे, सी के लिए हमारा ये आ गया सी स्कोर एज मच एज डी, तो सी इक्वल टू डी, फिर यहाँ पे डी है तो आप डी देखेंगे, डी की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो डी क्या है एफ स्कोर लेस देन डी,
मतलब डी की वैल्यू किससे ज़्यादा है, एफ से ज़्यादा है। अब यहाँ पे एफ है तो एफ देखेंगे, एफ हमको यहाँ दिख रहा है। अब ई स्कोर लेस देन एफ मीन्स जो ई की वैल्यू है वो एफ से कम है, तो एफ ग्रेटर देन ई। ठीक है फ्रेंड, अब सारे ई ए बी सी डी ई एफ आ गए, अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आपका लोवेस्ट कौन सा हो रहा है, लोवेस्ट आपका ई हो रहा है देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, ये आपको इक्वेशन दिया है। सबसे पहले आप मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन जान लीजिए, क्योंकि ये एक्स वाई दोनों का फंक्शन है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पे, एट एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पर जीरो, फिर उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई फिर उसी पे एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पे, ये जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको जीरो करके हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू हमारी होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई, फिर लास्ट में टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अगर हमको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है तो कंडीशन क्या होती है, आर टी, आर टी का क्या प्रोडक्ट ग्रेटर देन एस स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, आर ये है, एस ये है, टी ये है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पर फाइंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसका एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन करने पे, ये 2 माइनस 2x, ये तो हो गया x के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, 2 माइनस 2y। अब इस इक्वेशन को जीरो पुट करके हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब फिर हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, r क्या था, x के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी -2, फिर s की वैल्यू क्या आ जाएगी, x और y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन, ये कितना आ जाएगा, s की वैल्यू 0, फिर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, t की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। अब अगर हम rt की वैल्यू फाइंड करें, rt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और s की वैल्यू 0, मीन्स rt ग्रेटर देन एस स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है फ्रेंड, अब पॉइंट हमको एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 मिला है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है ऑन ट्रायंगुलर प्लेट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 9 माइनस x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका हम फिगर कर लेंगे, ये वाले इक्वेशन का फिगर कैसे बनेगा देखिए, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे 0 0 0 0 पॉइंट होंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट 0.9, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 9.0, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 9 तक पुट करते हैं तो ग्राफ हमारा कैसे होगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ऐसे हमारा ग्राफ बन रहा है। अब जो हम पॉइंट निकाले थे एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1, ये कहाँ होंगे, ये इस ट्रायंगल के अंदर होंगे। ठीक है फ्रेंड, इस ट्रायंगल के अंदर होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहा है, एक तो 0 0 0.9 9.0 और 1 1, इन सभी वैल्यू पे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट क्या था 0 0, इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू हमारी एक्स वाई पे आ जा रही है 2, फिर पॉइंट क्या है 9.0,
इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस पे हमारी है -61। उसके बाद 0.9 पे क्या आ रही है, इस पे भी हमारी क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू -61। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1.1, क्योंकि हमने सॉल्व किया था, इस पर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस पर हमारी आ जाएगी 4। ठीक है फ्रेंड, तो इन चारों में से कौन मैक्सिमम है, 4। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये 2 है, ये दोनों वैल्यू माइनस में है, इसलिए 4 हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दी मैट्रिक्स, ये आपको 2x2 की मैट्रिक्स एक दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दी एक्सप्रेशन a^5 -4a^4 -7a³ +11a² -a - 10i इज इक्विवेलेंट टू। इस क्वेश्चन को हम कैले हैमिल्टन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम से, जो कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, अल्टरनेटिव मेथड। और ये मेथड सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होता है, जैसे 2x2 हो गया, 3x3 हो गया, या फिर 4x4 हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर C0 लैम्डा की पावर n, लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू, प्लस C1 लैम्डा की पावर n-1 प्लस सो ऑन कहाँ तक, प्लस C n-1 लैम्डा की पावर कुछ नहीं, फिर C n = 0। ठीक है फ्रेंड, अब अगर ऐसा दिया है तो हम इसे कैसे रिप्लेस करते हैं, लैम्डा को a से और सिंगल Cn वाले टर्म को Cni से। ठीक है फ्रेंड, तो रिप्लेस करने पे देखिए क्या आता है, C0 a^n प्लस C1 a^n-1 प्लस कहाँ तक, Cn a प्लस Cni। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, इसको हम पहले आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू इजिली आप फाइंड कर लेंगे, कितना होगा देखिए, 1 λ 4 2 3 λ, ये हमारा ये बन गया। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, λ² - 4λ - -5 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इसको हम अगर रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा को a से, मतलब a² - 4a, और सिंगल टर्म को हम किससे रिप्लेस करते हैं, 5i। अब ये हमारा इक्वेशन रिप्लेस होने के बाद आ गया। ठीक है फ्रेंड, इसको हम अलग से लिख लेंगे, क्या था, a² - 4a - 5i = 0। अब जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला के सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें से a³ कॉमन ले लें, तो देखिए a³ हम कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a² - 7a - 5i। ये कैसे आया, इसमें से अगर हम a³ लेंगे तो a² बचेगा, इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे 4a, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4a। फिर जो 7a³ है इसको हम दो टर्म में तोड़ लेंगे, एक तो 5 - 5a² फिर सॉरी 5a³ फिर -2a³, ये आ गया। अब ब्रैकेट में बाहर क्या आएगा, -2a³ फिर प्लस 11a² -a - 10i। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रहा, 0, तो इसको 0 पुट कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग इतना बचा। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, -2a कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में a² - 4a - 5i। ठीक है फ्रेंड, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, ये होगा -3a² - a
-10i। फिर उसी तरह हम इसमें तो सबको सिंप्लीफाई करके तोड़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी वैल्यू फिर से जीरो हो गई, जीरो हो गई ना, तो फिर हमारा क्या रिमेनिंग बचेगा, 3a² माइनस ए माइनस 10i। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लास्ट में आपकी वैल्यू जो सॉल्व हो के आएगी क्या आएगी, a प्लस 5i। इसको आप फिर से सॉल्व करके देख सकते हैं कॉपी में कि लास्ट में वैल्यू फाइनल जो आएगी वो a प्लस 5i आएगी, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट में 1 + y dx इक्वल टू ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस x dy इज, आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पूछ रहा है। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, dx अपॉन dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में 1 + y² फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन में 1 + y² इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² ये किस फॉर्म में आ गया, ये dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q ये फॉर्म में आ गया, ठीक है फ्रेंड। p की वैल्यू हमारी क्या है, p इक्वल टू 1 अपॉन 1 + y² और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू आई है tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² अब इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम if की वैल्यू फाइंड करेंगे। if की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, e की पावर tan इनवर्स y, ये p की वैल्यू फाइंड हो गई। अब सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, सोल्यूशन हमारा if इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, q का, फिर if dy प्लस c, सारी वैल्यू आपको पुट करना है, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे x tan इनवर्स y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, ये वाली, इसको आप पुट करेंगे tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² फिर if वैल्यू पुट करना, if कितनी है, e की पावर tan इनवर्स y फिर प्लस c, यहाँ पे dy होगा प्लस c। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप, अब हम tan इनवर्स y को क्या मान लेंगे, t, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy 1 + y² अपॉन में dt। ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t e की पावर t dt प्लस c। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए क्या आएगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। अब सारी वैल्यू फिर से पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ रहा हमारा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में क्या होगा हमारा, tan इनवर्स y माइनस 1 + c, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसे क्या करेंगे, इन सब से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू tan इनवर्स
टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है फ्रेंड, फाइनल सोल्यूशन हमारा ये निकल के आ गया। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ डेल की पावर 10 ब्रैकेट में 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस डी एक्स की पावर 4। आपसे इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। चारों ही ऑप्शन में आपको ए बी सी डी टर्म दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डेल क्या होता है? ऑपरेटर। इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल डी बाई डी एक्स। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें ए बी सी डी का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, तो साइन यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ए बी सी डी डी में एक्स के टर्म को आप ऐड कर देंगे। ए बी सी डी एक्स का क्या टर्म है? एक्स की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये क्या आ जाएगा हमारा ए बी सी डी, ये प्लस सो ऑन तक ए बी सी डी, फिर एक्स की पावर क्या आ जाएगी? 10। ठीक है फ्रेंड, ये सो ऑन तक। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए बी सी डी तो बाहर ही रहेगा। इसका क्या आएगा? इसका सबसे पहले 10 एक्स की पावर 9, फिर 9 एक्स की पावर 8, फिर 8 एक्स की पावर 7। इसी तरह कहाँ तक जाएगा? 1 तक। तो यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका मतलब फैक्टोरियल 10, और x का पूरा टर्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा आंसर क्या बचा? ए बी सी डी इंटू फैक्टोरियल 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू log e x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y, the value of the x del u by del x plus y del u by del y। अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन होता है तो उसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? ये फंक्शन u मान लेते हैं, ये क्या होगा? e की पावर u इक्वल टू x4 प्लस y4 अपॉन में क्या होगा? x प्लस y। अब इसकी हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? n इक्वल टू क्या होता है? 4 माइनस वन कितना आ गई डिग्री? यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है फ्रेंड, डिग्री 3 आ गई। इसका सोल्यूशन क्या होता है? डायरेक्ट ही x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होता है? ये होता n f u अपॉन में f का डिफ्रेंसिएशन। ये n की वैल्यू 3 है यहाँ पे 3, एफ यू की वैल्यू e की पावर u, और एफ यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो भी e की पावर u आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो सिर्फ हमारा 3 बचा। 3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन d में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी जनरल वैल्यू ऑफ log 1 प्लस आई प्लस log 1 माइनस आई। जब log में समेशन दिया रहता है तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है ए इंटू बी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आई, और बी की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हमारा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1। तो यहाँ माइनस 1 अगर हम पुट करेंगे, देखिए 1 प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा? लॉग 2। लॉग 2 सारे क्वेश्चन में आपको लॉग 2 दिया रहा है, लेकिन इसके साथ एक और टर्म भी दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे प्लस जीरो करेंगे, फिर लॉग टू प्लस आई इंटू टू पाई एन, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी माना। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप किसी और रेफरेंस से देख सकते हैं कि उसमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 3 ऑफ ईच कलर। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग चूजन।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल ड्रॉन इट। पहले बैग में चार वाइट हैं, चार वाइट बॉल हैं और दो क्या हैं ब्लैक बॉल, और दूसरे बैग में तीन वाइट हैं, तीन वाइट और तीन क्या है ब्लैक बॉल। अब आपसे वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्योंकि दो बैग हैं हम किसी को भी रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, मतलब किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बैग वन पे आ जाते हैं, बैग वन पे वाइट कितनी है चार, तो ऊपर चार लिख लेंगे और टोटल बॉल कितनी है 6। फिर इसी तरह 1/2 किसी बैग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए 1/2। अब दूसरे बैग के लिए आ जाते हैं, वाइड कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 और टोटल बॉल कितनी है 6। तो बस इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7/12, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय। ये आपको डेंसिटी फंक्शन दिया गया और इसकी लिमिटेशन, अगर कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है तो उसका जितना भी समेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले 0 से 2 के लिए जो फंक्शन डिफाइंड होगा dx, फिर प्लस 2 से 4 जो फंक्शन दिया रहेगा टू dx, फिर प्लस 4 से 6 जो फंक्शन दिया रहेगा dx, इन तीनों का समेशन क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब आपको सारी वैल्यू यहां से पुट करना है और आपका सलूशन आ जाएगा। देखिए पहला क्या है 0 से 2 के लिए, इसकी वैल्यू क्या है kx dx, फिर प्लस 2 से 4 के लिए वैल्यू क्या है 2k dx, फिर तीसरा फंक्शन क्या है माइनस kx, इसकी लिमिट क्या है 4 से 6 kx प्लस 6k dx। इसको आप सॉल्व करके सारी लिमिट्स पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा k के फॉर्म में 2k प्लस 4k प्लस 2k इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के इक्वल था ना सारा समेशन, तो k की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी 1/8। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/8, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। सबसे पहले आप ये जाने कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ यूज करते हैं। सपोज करिए किसी ट्रायल या एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, आउटकम वो या तो सक्सेस के फॉर्म में ऑप्टेन हो रहा है या तो फेलियर के फॉर्म में ऑप्टेन हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। एज्यूम कर लीजिए एन क्या है ट्रायल्स और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी, फिर फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्यू। ठीक है फ्रेंड, तो मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन की वैल्यू हमारी, इसको हम म्यू भी बोलते हैं, ये होती है एन पी, और इसी को हम क्या कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वेरियंस पूछा होता तो वेरियंस की वैल्यू क्या होती, वेरियंस इसको हम कैसे दिखाते हैं म्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है एन पी क्यू। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिग्रेशन इक्वेशंस y इक्वल टू 0.516x प्लस 33.73 एंड x इक्वल टू 0.512y प्लस 32.52, दी मीन्स ऑफ x एंड y आर नियरली। अगर x और y का किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन में मीन निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 0.516 x इक्वल टू 33.73, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा x माइनस 0.512 y इक्वल टू क्या होगा 32.52। ठीक है फ्रेंड, अब 0.512 का मल्टीप्लाई आप
इस इक्वेशन में कर देंगे और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 67.6 और y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 68.6 जो कि नियरली वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन में ये नियर वैल्यू दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ अ कर्व इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज अ कॉन्स्टेंट देन दोज फिक्स्ड लाइंस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले आप हाइपरबोला के बारे में देख लीजिए कि वो उसका फिगर कैसे बनता है। ठीक है फ्रेंड, ये हॉरिजेंटल एक्सिस, इसको हम मेजर एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद वर्टिकल वाई एक्सिस, इसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस या माइनर एक्सिस भी बोलते हैं। ये हाइपरबोला यहाँ पे क्या होता है, फोकस रहता है हाइपरबोला का। ये वाला एक्सिस कौन सा है, मेजर एक्सिस, ये वाला माइनर एक्सिस। अगर हम माइनर एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए यहाँ पे, पॉइंट ए ये वाला पॉइंट माइनस ए, यहाँ पे पॉइंट बी और यहाँ पे माइनस बी। ठीक है फ्रेंड, ए क्या है, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है और बी क्या है, सेमी माइनस एक्सिस। कोई हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोला जाएगा जब उसके ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों क्या हों, इक्वल हों। ठीक है फ्रेंड, इक्वल हों, साथ ही साथ क्या हों, जो सेमी मेजर एक्सिस होता है ए और सेमी माइनर एक्सिस बी, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हम फिगर बना लेते हैं। ये सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस और ये सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। अगर हम इस ग्राफ पे कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए, तो ये डिस्टेंस x और ये y, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, ये x और ये y, x1 y1 x2 y2। ठीक है फ्रेंड, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या है कि इफ अ कर्व इज ट्रेस बाय अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे है। ठीक है फ्रेंड, एंगल टू ईच अदर इज अ कॉन्स्टेंट देन दोज फिक्स लाइन आर कॉल्ड। यही लाइन आपसे पूछ रहा है कि इसको बोलते क्या है, तो ये इसमें एक्स वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट मीन्स x1 y1 इक्वल टू क्या होता है, x2 y2। जो ये लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, asymptotes। ठीक है फ्रेंड, asymptotes, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस लाइन को बोलते क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, asymptotes। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² / b² = 1। लेकिन अब अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करेंगे, क्योंकि इसमें a और b इक्वल होते हैं, तो उसका इक्वेशन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x² - y² = 1। ये इक्वेशन किसका हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम बॉयल्स लॉ में यूज करते हैं, बॉयल्स लॉ में और थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन पासिंग थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर दी डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन है एक्सिस। किसी भी कोनिक की एक्सिस लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करती है, इसे हम ग्राफ से देखेंगे। कोई भी आप कोनिक ले लीजिए, जैसे इलिप्स हो गया, फिर पैराबोला हो गया, फिर हाइपरबोला हो गया, इन तीनों का फोकस कहाँ होगा, ये पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, और इनका एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, यहाँ। तो जो एक्सिस लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर और फोकस से पास कर रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
ठीक है फ्रेंड। अब हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इलिप्स के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब ये ई क्या है? ई को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ऊपर क्या होगा हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन टू इट्स फोकस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स। इसे हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये है, सबसे पहले हम इलिप्स का देखेंगे, इलिप्स का ये, अगर हम इलिप्स के किसी पॉइंट पे ले लें, उस पॉइंट से फोकस की दूरी अपॉन में उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये पॉइंट सी मान लीजिए, तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। अब पैराबोला के केस में, पैराबोला का हम केस ले लें, पैराबोला ये, पैराबोला के केस में क्या होगा, फोकस यही होगा, पैराबोला का हम ये पॉइंट ले लें, तो यहाँ से फोकस की डिस्टेंस अपॉन में इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे मान ले P, ये Q और ये पॉइंट C है ये, तो पैराबोला के लिए E की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी पी सी अपॉन में पी क्यू, ये इक्वल टू 1 होती है। अब हाइपरबोला का केस हम लेंगे, हाइपरबोला के लिए क्या होगा, यहाँ कोई पॉइंट ले लें, फोकस से डिस्टेंस ले लें और यहाँ से डिस्टेंस ले लें, इसको मान लें हम x और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट y, तो e की वैल्यू क्या होगी, ये होगी सी एक्स अपॉन में एक्स वाई, ये हमेशा 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है फ्रेंड, e की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। एक और केस है सर्किल, सर्किल के लिए e की वैल्यू क्या होती है, 0 रहती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस इन अ सीरीज मे बी प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशंस को शो करने के 3 टाइप होते हैं, पहला होता है चेन या कंटिन्यूस डायमेंशन, ये दोनों एक ही हैं, दूसरा क्या होता है प्रोग्रेसिव डायमेंशन, और तीसरा कौन सा होता है कंबाइंड डायमेंशन, जिसमें चेन और प्रोग्रेसिव दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेन डायमेंशन, मान लीजिए कोई जॉब या वर्क पीस है, इसका डायमेंशन आपको शो करना है, तो ये डिस्टेंस एक्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर जहाँ से ख़त्म हो रहा वहीं से वाई, इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से जेड, ये हमारा चेन या कंटिन्यूस। अगर इसी को आपको किस में शो करना है, पैरेलल या प्रोग्रेसिव में, तो कैसे शो करेंगे, ये डिस्टेंस एक्स, फिर इनिशियल पॉइंट से ही वाई यहाँ तक, फिर यहीं से हम लेंगे जेड, ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, पैरेलल या प्रोग्रेसिव। कंबाइंड में क्या होता है, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, जो इसका पार्ट नहीं है, तो कौन सा पार्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल डायमेंशन, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द इफेक्ट्स ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकेशंस ऑन कॉस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले आप ये जानें कि प्रोड्यूसिबिलिटी होती क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर होने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिबिलिटी, या फिर द मेजर ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लार्ज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। टॉलरेंस किसी भी प्रोडक्ट के साइज के डेविएशन को बताता है, साथ ही साथ टॉलरेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। टॉलरेंस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और
सरफेस फिनिश भी इन प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिबिलिटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है फ्रेंड, लार्ज टॉलरेंस के साथ एक और होता है, वो होता है क्लोज टॉलरेंस। क्लोज टॉलरेंस इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑपरेशन होते हैं हाईली हाईली क्या होते हैं, प्रिसिसाइज, मींस इसमें प्रिसीजन मशीनिंग का यूज़ करके हम डेविएशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, मींस टॉलरेंस को कम करते हैं। इसलिए ये मेथड क्या हो जाता है, बहुत कॉस्टली मेथड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, लार्ज टॉलरेंस में क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्लोज टॉलरेंस से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल। इसलिए मैक्सिमम केस में क्या होता है, लार्ज टॉलरेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट अप्रोच फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रोडक्ट लियाबिलिटी। प्रोडक्ट लियाबिलिटी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करने वाले की होती है, वो चाहे मैन्युफैक्चरर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सप्लायर हो या फिर रिटेलर हो। ठीक है फ्रेंड, इसे हम अलग वर्ड में ये कह सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, फिर बाद में उस प्रोडक्ट से कोई डैमेज या फिर कोई इंजरी होती है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो कि प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक वॉशिंग मशीन बनाई, ठीक है फ्रेंड, और इसे मार्केट में सेल किया। सेल करने के एक महीने बाद वॉशिंग मशीन सही से काम नहीं कर रही है, या फिर उस वॉशिंग मशीन में करंट उतर जाता है और किसी की इंजरी हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इन चारों की। ठीक है फ्रेंड, अब ये तीनों मेथड, पहला एनालिसिस एंड डिज़ाइन, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, ये तीनों मेथड क्या हैं कि प्रोडक्ट लियाबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो ऑप्शन डी है कॉस्ट, ये भी मेथड है लेकिन बेस्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन बेस्ट मेथड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कॉस्ट, ये बेस्ट मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ एस्टिमेटिंग द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स एंड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनालिसिस और सिंथेसिस टास्क व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इन्वॉल्व। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर को एस्टिमेट करने के चार मेथड होते हैं, जिसमें से तीन आपको ऑप्शन में दिया है। पहला मेथड कौन सा होता है, प्रोपागेशन ऑफ एरर, इसमें हमें किसी टास्क के डिफेक्शन के बारे में पता चलता है, डिफेक्शन के बारे में पता चलता है। दूसरा क्या है, प्रोपागेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, इससे हमको क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट मेथड क्या है, प्रोपागेशन ऑफ डिस्पर्सन, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमें फेलियर मोड और इफेक्ट एनालिसिस के बारे में पता चलता है, जिससे हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकाल सकते हैं। और इन तीनों के साथ एक और मेथड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन ऑफ सेवरिटी, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको किसी टास्क की रिजिडिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चारों हो गए, मीन्स ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सी प्रोपागेशन ऑफ वेट, ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर को एस्टिमेट करने का कोई वे नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू लिमिट द सीरियसनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, इमरजेंसी कंट्रोल्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन द लोकेशन ऑफ इमरजेंसी स्टॉप्स। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, स्पीड एंड एस ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि स्पीड एंड एस ऑफ ऑपरेशन ना सिर्फ एक्सीडेंट को होने से रोकता है, बल्कि अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसके सीरियस डैमेज को क्या करता है, सीरियस डैमेज को रिड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंजीनियरिंग
अप्रोच इज फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन ऑफ द वर्कर्स बाय ह्यूमन और मशीन के बीच के इंटरफेस को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की हेल्प से डील करना क्या कहलाता है, ह्यूमन इंजीनियरिंग। ठीक है फ्रेंड, इसे हम एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, एर्गोनॉमिक्स। अलग वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि एज ऑफ यूज इन द ह्यूमन फैक्टर इन इंजीनियरिंग, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स में हम फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ करते हैं, हमारे माइंड सेट पे। ठीक है फ्रेंड, जिससे कि हमारे रिएक्शन का एनालिसिस हो सके। और एम्प्लॉयज़ और जॉब के बीच में एडजस्टमेंट अच्छी हो सके जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन किसी भी कंडीशन पे कैसा है, ताकि एक्सीडेंट क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। तो हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, गिविंग कॉन्स्टेंट अटेंशन टू हाउ अ वर्कर इज लाइकली टू रिएक्ट रेदर देन हाउ सुपरवाइजर वुड लाइक हिम टू रिएक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर एरर थ्रू ट्रिगर्स लीडिंग टू एन एक्सीडेंट विच कन्फ्यूजेज एंड ट्रैप्स इंटू मेकिंग मिस्टेक्स। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सेफ्टी प्रैक्टिस। ये क्या होता है, दिए गए रूल या रेगुलेशन के हिसाब से काम करना क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सेफ्टी प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड, रूल रेगुलेशन बनाना ऑपरेटर का काम नहीं होता, ये किसका काम होता है, ये कंपनी की लॉ मेकिंग अथॉरिटी का काम होता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी का। तो अगर रूल रेगुलेशन में फंस के कोई वर्कर एक्सीडेंट करता है तो उसे ऑपरेटर एरर नहीं माना जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन ए बी और डी, ये क्या होगा, ये ऑपरेटर की गलती से ही एक्सीडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेफ्टी प्रोग्राम फॉर अचीविंग गुड रिजल्ट्स ड्यूरिंग द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। सेफ्टी प्रोग्राम एक्सीडेंट के होने के बाद के इफेक्ट को नहीं बताता, जैसे कि क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, मेडिकल पेमेंट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कंपनसेशन एंड मेडिकल पेमेंट। सेफ्टी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, इसके साथ ही साथ सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स और सेफ इन्वायरमेंट को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वन क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। टू क्या है, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट प्लानिंग। थ्री क्या है, पैकेजिंग एंड शिपिंग। और फोर क्या है, सेल्स। तो ऑप्शन फोर सेल्स, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, ये क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल सब एरियाज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पहला क्या है, ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा क्या है, सेल्स या फिर मार्केट शेयर। तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। चौथा क्या है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान्स। ये जैसे ऊपर क्वेश्चन था उसी तरह सेम है, सेल्स और मार्केट शेयर्स का क्वालिटी कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये क्वालिटी कंट्रोल का कोई सब एरिया होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि टू रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कम अंडर 14 स्टेप प्लान फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए 14 स्टेप प्लान बताए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। पहला कौन सा है, मैनेजमेंट कमेटी। दूसरा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान। तीसरा है क्वालिटी मेजरमेंट। चौथा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इवेल्युएशन। फिर पांचवा है क्वालिटी अवेयरनेस। छठवा है कोरेक्टिव एक्शन। सातवा है इस्टेब्लिश एंड एड HOC कमेटी फॉर दी जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम।
आठवां है सुपरवाइजर ट्रेनिंग, नौवां है जीरो डिफेक्ट डे, दसवां है गोल सेटिंग, ग्यारहवां है एरर कॉज रिमूवल, बारहवां है रिकॉग्निशन, फिर उसके बाद तेरहवां है क्वालिटी काउंसिल्स, और फिर लास्ट में चौदहवां क्या है, डू इट ओवर अगेन। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन टू यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि टू जिसमें होगा हम कैंसिल आउट कर देंगे, ऑप्शन ए में टू है, ऑप्शन बी में टू है और ऑप्शन डी में टू है। ठीक है फ्रेंड, तो सिर्फ हमारा क्या बचा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी ए ओ क्यू इज, इसका फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जहाँ पे पी ए क्या है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉट है, पी क्या है इनकमिंग लॉट क्वालिटी है, कैपिटल एन क्या है लॉट साइज है, स्मॉल एन क्या है सैम्पल साइज। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आप ये जानिए कि एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी होता क्या है, किसी गिवन वैल्यू ऑफ इनकमिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, वैल्यू ऑफ इनकमिंग प्रोडक्ट क्वालिटी को ध्यान में रख के आउटगोइंग प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड एवरेज क्वालिटी लेवल को हम क्या कहते हैं, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल। ठीक है फ्रेंड, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल्स, जिसे हम ग्राफ से भी देखेंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इनकमिंग लॉट परसेंटेज डिफेक्टिव, और वाई एक्सिस पे क्या होता है एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, वो भी परसेंटेज में। इसका ग्राफ पहले तो ऊपर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये टॉप वाले पॉइंट को, इसको हम कहते हैं एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी के मैक्सिमम पॉइंट को हम क्या कहते हैं एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, इनकमिंग लॉट अच्छे हैं, तो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इनकमिंग लॉट का जो डिफेक्ट है वो बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, जब इनकमिंग लॉट जो हैं वो गुड होंगे तो आउटगोइंग लॉट भी क्या होंगे, गुड होंगे, लेकिन अगर इनकमिंग लॉट बैड होंगे फिर भी आउटगोइंग लॉट क्या होंगे, वो गुड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये जैसे जैसे आगे जा रहा वैसे वैसे डिफेक्ट बढ़ रहा है, और डिफेक्ट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, मीन्स हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स कर देते हैं, इसीलिए हमारा ग्राफ कैसे जाता है नीचे। ठीक है फ्रेंड, अब हम फॉर्मूले पे आएंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी का इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी ब्रैकेट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सर्विस क्वालिटी दैट कोरिलेट्स विथ द ह्यूमन फैक्टर्स एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए ह्यूमन फैक्टर और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, उसके दो प्रोसीजर हैं। पहला क्या है, सर्विस प्रोसेस में जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनका फीडबैक या कंप्लेन कस्टमर से ऑब्टेन करना, और दूसरा क्या है, सर्विस के डिलीवरी के टाइम पर्सन्स की ट्रेट्स, इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, ट्रेट्स के कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्स है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन ह्यूमन ट्रेट्स इन डिलीवरी और सर्विस। ठीक है फ्रेंड, ट्रेट्स क्या होता है, पर्सनालिटी। बाकी तीनों ऑप्शन बी सी डी ये क्या हैं, ये सर्विस नॉन कन्फॉर्मिटी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन. क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग. फर्स्ट क्या है, साइट या फिर फील्ड, कंस्ट्रक्शन मेथड. इसमें क्या होता है, स्किल वर्कर, स्किल वर्कर, इफिशेंट टूल, इफिशेंट टूल और गुड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं. दूसरा क्या है, सुपरविजन, सुपर विजन एंड कंट्रोल. इसमें क्या होता है कि वर्किंग क्रू जो कि वहाँ काम कर रहे हैं उनको दिए गए प्लान और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करवाना, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरविजन एंड कंट्रोल. इसके अलावा एक और होता है, इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों हो गए हैं. तो हमारा आंसर देखिए 1 होगा और 4 होगा. ठीक है फ्रेंड, बाकी ये दोनों नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वर्क्स. प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वर्क्स क्या होते हैं, वो कॉन्क्रीट वर्क जिसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है, स्ट्रक्चर मजबूत होता है और फेलियर होने का चांसेस भी क्या होता है, कम हो जाता है. ठीक है फ्रेंड, अब पॉइंट 1 क्या है, शीथिंग्स आर थ्रेडेड प्रॉपरली इंक्लूडिंग करेक्ट थ्रेडिंग ऑफ कपलर्स एंड टैपिंग ऑफ जॉइंट्स. 2 क्या है, ओनली अप्रूव्ड शीथिंग्स एचटीसी स्ट्रेंस एंकर हेड्स एंड वेजेस आर टू बी यूज. 3 क्या है, स्प्लिसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड एट द जॉइंट. स्प्लिसिंग क्या होता है, जब दो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग. प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वर्क में हम स्प्लिसिंग का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्प्लिसिंग का यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड, तो ये हम ट्राई करते हैं कि जो कॉन्क्रीट वर्क है उसमें कोई ज्वाइंट ना हो. तो पॉइंट 3 हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अब हम ऑप्शन देख लेंगे, जिसमें पॉइंट 3 होगा वो ऑप्शन क्या होंगे, हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या हमारा, ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. अब हम देख लेते हैं कि शीथिंग्स क्या होती हैं. शीथिंग एक तरह की डक्ट होती हैं जो कि कॉन्क्रीट में वॉइड बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि उसके अंदर से केबल को आसानी से डाला जा सके और स्ट्रेसिंग ऑपरेशन के टाइम केबल क्या होती हैं, फ्री होती हैं. जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि शीथिंग्स डक्ट कैसी होती हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर सैम्पलिंग इन द केस ऑफ कॉन्क्रीट फॉर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इज. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. ये क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ किसका, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन. ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मूला आपको ऑप्शन डी में दिया गया है. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन तक क्या है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल क्यूब्स हैं और कैपिटल एन क्या है, वो नंबर ऑफ क्यूब्स टेस्टेड हैं और एक्स बार क्या है, ये एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यूज. ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस आर ट्रू इन पीस पार्ट प्रोडक्शन. सबसे पहले आप ये जाने कि पीस पार्ट प्रोडक्शन होता क्या है. अ सिंगल कंपोनेंट दैट कैन बी यूज आफ्टर बींग असेंबल्ड और बींग डिसम्बल्ड टू. एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रांजिस्टर. दूसरा क्या होगा, रिले. तीसरा क्या होगा, कैपेसिटर. ठीक है फ्रेंड, कैपेसिटर. ये सब जो कंपोनेंट हैं इनको हम असेंबल करने पे भी यूज़ कर सकते हैं और इनको दोबारा अगर हम डीअसेंबल कर रहे हैं तो फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड,
अब हम देखेंगे कि पीस पार्ट प्रोडक्शन में कितने वेरिएशंस होते हैं। उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? पीस टू पीस वेरिएशन। इसमें क्या होता है? सेम टाइम में प्रोड्यूस होने वाले पीसेस में क्या वेरिएशन है, उसको हम क्या कहते हैं? पीस टू पीस वेरिएशन। फिर उसके बाद क्या है? टाइम टू टाइम वेरिएशन। इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइम पे प्रोड्यूस होने वाले पीसेस में क्या वेरिएशन है, उसको हम किस में देखते हैं? टाइम टू टाइम वेरिएशन में। फिर उसके बाद क्या है? विद इन पीस वेरिएशन। इसमें क्या होता है? किसी एक पीस के सरफेस पे कितना वेरिएशन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विद इन पीस वेरिएशन। तो तीन होगा, इसका मतलब 1, 2, 3 हमारा करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एट्रीब्यूट चार्ट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों यूज़ करते हैं? फिटनेस ऑफ यूज़ के लिए या फिर कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो प्रोडक्शन के पहले या बाद में उसमें कौन सा प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं? एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और एक मेथड जो कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल चार्ट। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल चार्ट दो टाइप के होते हैं। पहला किसके लिए? वेरिएबल्स के लिए। दूसरे किसके लिए? एट्रीब्यूट्स के लिए। वेरिएबल के लिए कौन कौन से चार्ट होते हैं? एक्स चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट। ठीक है फ्रेंड, और एट्रीब्यूट्स के लिए पी चार्ट, एन चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट। वेरिएबल के लिए जो कंट्रोल चार्ट होते हैं उनमें लेंथ, डाया, यंग मॉडल्स, इन सब के बीच वेरिएशन देखा जाता है। और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट में हम क्या देखते हैं? अपीयरेंस, डिफेक्ट या फिर परफॉर्मेंस। ठीक है फ्रेंड, परफॉर्मेंस। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ऑप्शन बी देखिए, टू इवेल्युएट द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट पर्सनल। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये थे 1 से 50 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।